छात्रवृत्ति को लेकर मुजफ्फरनगर के छात्र द्वारा की गई आत्महत्या के बाद कार्यवाही की मांग करते हुए छात्र संघ समिति के कार्यकर्ताओं ने आज अधनग्न होकर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान से जिलाधिकारी कार्यालय परिसर तक अधनग्न होकर सड़क पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के साथ ही कार्यकर्ताओं द्वारा अगली बार और भी उग्र प्रदर्शन करने की चेतावनी दी गई है। प्रदर्शन किया ये आज अर्धनग्न प्रदर्शन है। चूँकि 27 दिन हो गए छात्रों के इस आंदोलन को और ये प्रदेश सरकार इतनी निकम्मी है, प्रशासन ने जो है आज तक सुध नहीं लेने का काम किया। आज हम लोगों ने पिछले 3 दिन से प्रशासन को अवगत करा दिया था, कमिश्नर साहब को अवगत करा दिया था कि आज हम लोग कमिश्नर साहब से रूबरू मिलेंगे। चूँकि जिला मुजफ्फरनगर में जो फांसी लगाकर बच्चा मिला मरा है, अभी तक उन लोगों को कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। प्रशासन की ये सबसे बड़ी नाकामी है, क्योंकि अभी तक उस बच्चे की FIR तक भी नहीं दर्ज हुई। उसके घर वालों को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा और वहाँ से भगाया जा रहा, और अधिकारी बचने के लिए कह रहा कि मुझे कोरोना है। दूसरे अधिकारी भी तो वहाँ उपस्थित होंगे। आज हम लोग पैदल यात्रा करके अर्धनग्न प्रदर्शन करके कमिश्नर साहब के गेट के सामने बैठे हुए हैं। अर्धनग्न होकर प्रदर्शन कर रहे छात्रवृत्ति संघर्ष समिति के अध्यक्ष संजीव दुर्जन ने बताया कि हम लोग बीते 27 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा धरना प्रदर्शन छात्रवृत्ति को लेकर है। ये तो सर हमारा ज्ञापन है, पिछले 27 दिन हो चुके हैं हम लोगों को भूख हड़ताल। इसके साथ ही मुजफ्फरनगर के एक बच्चे की लाश पेड़ से लटकती मिली थी। बताया जा रहा था कि छात्रवृत्ति को लेकर छात्र ने आत्महत्या की है। अभी तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है। हमें यह नहीं पता है कि ये हत्या है या फिर आत्महत्या। दुर्जन ने कहा कि हम बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन जिला प्रशासन हमारी सुध नहीं ले रहा। जिला प्रशासन पूर्ण रूप से निकम्मा है। अगर हमारी मांग स्वीकार नहीं की गई तो आने वाले समय में हमारा प्रदर्शन और उग्र होगा। हम पूर्ण नग्न होकर प्रदर्शन करेंगे। सहारनपुर से जोगेंद्र कल्याण की रिपोर्ट।